हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे अपने घर पे। तो आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोगों की डिमांड पर मैं फिर से कार फॉर सेल का 2 पार्ट लेकर आई हूँ। और गाइस, अगर आपको कार फॉर सेल गेम में इंटरेस्ट है ना, जैसे कि अगर आपको अनुभव लेना है कि कार को खरीदने और बेचने का अनुभव लेना चाहते हो, तो ये गेम आपके लिए परफेक्ट है गाइस। इसमें आपको एक कार डीलर वाला फील आएगा जो कि बहुत ही अमेजिंग लगता है। और सो आपको ना, जब आप ये गेम खेलोगे तो आपको कार के बारे में बहुत सारे नॉलेज भी मिलेंगे। तो गाइस, ये है कार मार्केट, जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पुराने कार को कम प्राइस में बेच देते हैं। और आप यहाँ से अपनी कार को पुरानी कार को खरीद के और इसको अच्छे प्राइस में बेच सकते हो अपने कस्टमर को, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि कोई कार मुझे अगर सस्ती मिलेगी तो मैं यहाँ से कुछ कार्स लेने वाली हूँ। वेल, यहाँ पे तो गाइस कार मार्केट में मैं देख रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम कार मार्केट में आई हूँ। पिछले वाले गेम में मैं गई थी नेबरहुड, जहाँ पे मुझे सस्ते कार मिल गई थी। लेकिन यहाँ पे मैं कार मार्केट में आई हूँ तो फर्स्ट टाइम है ये मेरा। लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी महंगे महंगे कार दिख रहे हैं। एक भी कार मुझे ढंग का नहीं दिख रहा है जिसका प्राइस कम हो। वेल, मुझे लगता है इससे ज़्यादा सस्ता तो मुझे नेबरहुड में कार लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मुझे सारे कार्स बहुत महंगे लग रहे हैं। वेल, कार बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। कार्स वगैरह का कलेक्शन अच्छा रखा है इन्होंने, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पैसे बोल रहे हैं। तो इतना तो अभी मेरे अकाउंट में पैसे है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो, $21,000 ही ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। पर इसीलिए मुझे जाना होगा नेबरहुड। तो मैं नेबरहुड आ चुकी हूँ और यहाँ पर हम कुछ सस्ती कार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस भाई साहब से बात कर लेते हैं। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये अपनी कार को 5,000 समथिंग कुछ डॉलर्स में बेचने वाले हैं। तो इनकी ये गाड़ी मुझे पसंद आई है तो मैंने इसको ना यहाँ पे देख कर रख लिया है, कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि इसको लेने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार मैंने चूज कर ली और देख लेती हूँ कि कोई सस्ता इससे भी ज़्यादा मिल जाए तो बेटर रहेगा, है कि नहीं। तो गाइस, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा बोल रही है मैडम कार का प्राइस, तो ये गाड़ी मैं लेने वाली नहीं हूँ। इनसे बात कर लेते हैं कि सर, कितनी प्राइस में अपनी ये गाड़ी बेचने वाले हैं। मुझे कुछ सस्ता सा इन्वेस्ट करना है, मुझे फर्स्ट टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वेल गाइस, इनकी मुझे प्राइस सही लगी, लाइक 2000 समथिंग कुछ डॉलर्स में ये अपनी कार को सेल करेंगे। तो मुझे ये कार परफेक्ट लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ये कार को अब खरीदने का सोच रही हूँ। उससे पहले एक और कार मैं देख लेती हूँ कि इसका प्राइस कितना है, क्योंकि ये कार दूर से देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइस, इस गाड़ी की प्राइस भी ठीक ही ठाक है, मतलब हम ले सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं ये सस्ती वाली कार ले लूँगी, जिसका $2,700 बताया था इन्होंने। तो मैं सोच रही हूँ यही कार मैं खरीदने का। तो मैंने इनसे एक कार खरीद ली है और इसको मुझे गैरेज पहुँचा देना है, ताकि ये गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह हो जाए। तो इसको मैंने गैरेज में पहुँचा दिया है गाड़ी को। और मैंने यहाँ पे एक और कार पसंद किया था, आप लोगों ने देखा था जो हमने फर्स्ट में कार पसंद किया था। मुझे लग रहा है कि मुझे इसको भी परचेज़ करनी चाहिए। अभी मेरे अकाउंट में $18,954 बचे हुए हैं। तो गाइस, डॉलर बचे हुए हैं, तो मैं इनसे ये गाड़ी ले लेती हूँ। तो ये गाड़ी भी मुझे परफेक्ट लग रही थी, इसको भी मैं गैरेज पहुँचा देती हूँ। तो चलो, इसको भी पहुँचा दिया हमने। अब हम यहाँ से बस ले लेते हैं, क्योंकि बस इज़ वेरी सस्ता। और मैं गाड़ी को लेके भी जा सकती थी, लेकिन गाड़ी को ले जाने से बहुत रिस्क हो जाता है, क्योंकि मैं गाड़ी ठीक से ड्राइव कर नहीं पाती हूँ। गाड़ी इधर उधर एक्सीडेंट हो जाने से, ज़्यादा डैमेज हो जाने से नुकसान हमारा ही होगा, इसीलिए मैं बस प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए मैं बस से यहाँ पर आ गई हूँ। और ये रहा गैरेज, जहाँ पे मेरी गाड़ी आ चुकी है। दोनों गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। तो इनसे बात कर लेते हैं कि गाड़ी को ओके, तो इसमें कोई इस गाड़ी जो मैंने ये वाली गाड़ी ली है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको सर्विसिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी देख लेते हैं, तो इसको सर्विसिंग करवानी होगी और इसको सर्विसिंग करवाने में $1,000 समथिंग लग जाएगा। तो गाइस, ये गाड़ी तो परफेक्ट लग रही है। आप इसको ना जाके थोड़ा कलर पेंट वगैरह करवा लेते, क्योंकि इसमें तो कुछ डिफेक्ट तो है नहीं, तो कलर वगैरह करवा लेते हैं हम लोग जाकर। तो लेट्स गो। यहाँ से निकालना गाड़ी इज़ वेरी टफ। आप ना जब भी इस गेम को खेलो ना, तो यहाँ से सही से निकालो, क्योंकि ना हर गाड़ी की कंट्रोल जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। काफ़ी मुश्किल भरा वाला भी कंट्रोल होता है, लाइक आप लेफ़्ट राइट ठीक से कर नहीं पाओगे। बल वो सर्विसिंग करवाने से सही हो जाता है, लेकिन स्टिल कोई गाड़ी की नहीं होती है। तो गाइस, इस गाड़ी को सही से निकालनी है। मुझे लग रहा है कि बस मैं इस गाड़ी को कहीं पे ठोक ना दूँ, वरना तो हमारा लग जाएगा बहुत ज़्यादा चूना। तो इस गाड़ी को मैं पेंट करवा लूँगी। पेंट करवाने से क्या होगा, गाड़ी थोड़ी नई सी और अच्छी दिखेगी।
तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, इसको यहाँ पे सही से ले जाना है। और गाइस जब भी आप कार सेल गेम खेल रहे हो ना, कार फॉर सेल, अगर उसमें गाड़ी आप खरीदने जा रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर से रखोगे, जैसे कि इंजन, माइलेज और उसकी जो प्राइस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ना आपको एकदम सही प्राइस का गाड़ी लेना होगा, लाइक कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, आपको देखना पड़ेगा। तो मतलब ये एकदम ना रियल वाली फील देती है यार, एकदम मैं सच्ची बता रही हूँ। इस गेम को खेलकर मुझे तो बहुत मज़ा आता है, मुझे लगता है कि मैं सचमुच में कार डीलर हूँ और मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। इसी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल गेम भी है, मतलब आपको रियल लाइफ में भी बहुत सारे नॉलेज मिल जाएंगे अगर इस गेम को आप खेलते हो तो, कार से रिलेटेड और भी बहुत कुछ। तो इस गाड़ी को लेकर मैं जाती हूँ अपने ऑफिस, यानी कि मैं अपने शोरूम जा रही है, वहाँ पे मैं इस गाड़ी को सेट करूँगी ताकि कि और फॉर सेल लगा लूँगी और देखते हैं कस्टमर वगैरह आते हैं या नहीं। तो इस गाड़ी को मैं कितने प्राइस में बेचूँ मुझे वो समझ नहीं आ रहा। वही गाइस आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है, और जो ये आदमी आप लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे बगल में, ये कौन है मैं आपको बताऊँगी। एक्चुअली इसको मैंने हायर किया है $500 पर मंथ पे, और जैसे कि ये गरीब था, जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे, वो एक गरीब था, गरीब नहीं था यार, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी था यार, मैंने इसको हायर कर लिया है, बेचारे को कुछ मिल जाएगा पैसा, भीख मांगने से बेटर तो ये है कि कुछ काम दे दिए हम लोग उसको। तो मैंने उसको उनको एक काम दे दिया, तो वो मेरा जो यहाँ पे कचरे वगैरह फैला रहता है ना, तो उसको वो साफ वाफ कर देते हैं ऑफिस को, तो एक मेरा काम हल्का भी हो गया। ऊपर से 500 इन अ मंथ मुझे लगता है कि सही प्राइस रेंज बन रहा है, मतलब मेरे ख्याल से सही है, मेरे को सही लगा। और गाइस यहाँ पे नाइट हो चुका है, तो कार आज हम लोग सेल नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, मैं अभी चलती हूँ अपने कटघारे वाले घर में सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। कार मार्केट से नेबरहुड जाना प्लस सर्विसिंग वगैरह करवाना, मैं बहुत सारे काम करके थक चुकी हूँ, तो अब मेरा रेस्ट का बारी है। तो अभी हम चलते हैं कंटेनर, और मैं बस स्टैंड से आ गई हूँ, ये रहा मेरा कंटेनर जहाँ पर मैं सोती हूँ, छोटी सी मेरी घर है। वही कोई बात नहीं, अपने घर को भी हम लोग सही बनाएंगे। बल देखो मैं कितनी गरीब हूँ, मतलब ये टूटा फाटा सा घर है, और हमने अभी माइनस में इनकम किया है, हमारा अभी माइनस में जा रहा है क्योंकि हमारा अभी कुछ भी प्रॉफिट हुआ नहीं है। बोल हमने अभी तक कुछ सेल किया नहीं, इसलिए हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो गाइस फिर से चलती हूँ मैं अभी ऑफिस की तरफ, क्योंकि हम लोग को ऑफिस में अभी काम है, नेबरहुड वगैरह मैं नहीं जाऊँगी, बिकॉज मैंने दो दो कार खरीद लिए, पहले उसका मुझे ठिकाना लगाना है, आई मीन कस्टमर को बेचना है, फिर जाके मैं दूसरी कार खरीदने के लिए जाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे कस्टमर आ चुकी है, देखते हैं कि ये कितने में गाड़ी खरीदेंगी। वैसे तो मैंने $8,000 गाड़ी का प्राइस रखा है। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही सस्ता बोल रही है यार, मतलब व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, मैं इतनी दूर से इस गाड़ी को लेकर आई हूँ और ये इतनी कम में मांग रही है गाड़ी, यार कैसे होगा। मैंने तो उनको मना कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी 8,000 में बिकेगी। अब देख लेते हैं कि क्या होना है यहाँ पे, ये कितने में बोल रहे हैं। ओह माय गॉड, $3,600 ओनली, नो, इतनी कम में नहीं यार, इतनी कम में नहीं, इसको तो मैंने 2,700 समथिंग में कुछ में ख़रीदा ही था, इतना कम इनकम यार मेरे को नहीं चाहिए यार। अगर सही प्राइस रेंज में बेचना गाड़ी इज़ वेरी मुश्किल, तो आप लोग ध्यान रखो। तो मुझे लग रहा है कि प्राइस अकॉर्डिंग ये थोड़ा सही प्राइस बोल रही, 3,700, मुझे नहीं लगता कि गाड़ी को मैं ज़्यादा प्राइस में बेच पाऊँगी, क्योंकि जो भी कस्टमर आ रहे ज़्यादा, तो आई मीन बहुत ही कम पैसे दे रहे, तो मेरे को लग रहा है इन सारे कस्टमर्स में सबसे ज़्यादा जो पैसा मुझे देगा मैं उसी को गाड़ी सेल करूँगी, तो ये भी बहुत ही कम ही दे रही। तो वेल मुझे इनकी प्राइस थोड़ी ठीक लगी है, लाइक मतलब 3,700 में ये गाड़ी ख़रीदने वाली है मुझसे, तो मैं इनको बेच देती हूँ। मैडम को मैंने दे दिया है गाड़ी यहाँ पे, चलो सेल कर देते हैं इस गाड़ी को, सेल तो करना बनता है गाइस, लेकिन वैसे भी हम लोग को बस ध्यान रखना है कि हम ना लॉस में ना जाए, बस कैसे भी प्रॉफिट होनी चाहिए। हाँ ये है कि बहुत ही कम प्रॉफिट हुई है, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन था कि मैं शायद अच्छे प्राइस में बेच दूंगी इस गाड़ी को, वेल हुआ नहीं, कोई बात नहीं, अभी हमारे अकाउंट में $15,500 आ चुके हैं। और ये रही मेरी दूसरी गाड़ी, तो यहाँ पर इसकी सर्विसिंग हो चुकी है शायद कम्प्लीट, तो इसको हम यहाँ से ले जाएंगे। तो लेट मी ड्राइव दिस कार, और इसको केयरफुली लेकर जाना है, और ये जो गाड़ी है ना इसका कंट्रोल बहुत ही डेंजरस है, लाइक मतलब आप जब चलाओगे काफ़ी भारी सा फील आएगा आपको, और स्मूथ नहीं है इसका कंट्रोल। वेल इसका तो मैंने सर्विसिंग करवा लिया, स्टिल ये गाड़ी स्मूथ नहीं है, बहुत ही इधर उधर भागता है, तो इस गाड़ी को ठीक से ड्राइव करना आपको पड़ेगा, तो सही से ड्राइव करो।
कहीं डैमेज ना हो जाए, सही से ध्यान रखना। उसे चिट चिट हो गया गाइस, यहाँ पे ठोक दिया मैंने गाड़ी को और डैमेज भी हो चुकी है गाड़ी। बट ठीक है, इस बार मैं सर्विसिंग नहीं करवाने वाली हूँ, जो है जैसा है मैं इसको बस कार वॉश करके जाकर इसको बेचने वाली हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। क्योंकि मैं इस गाड़ी को अच्छे प्राइस से बेचना चाहती थी, स्टिल वो गाड़ी को मैं बेच नहीं पाई। कोई बात नहीं है, हम इसको यहाँ पे इसकी धुलाई करवा लेते हैं, कार वॉश करवा लेते हैं। तो $50 यहाँ पे मेरा ख़त्म हो चुका है, $50 में मैं यहाँ पे कार वॉश करवा रही हूँ, समझ रहे हो यार। मतलब $50 तो मेरा यूट्यूब का इनकम भी नहीं है भाई, यहाँ पे $50 में मैं कार को वॉश करवा रही हूँ। ओ गॉड, $100 यूट्यूब पे मिलता है पर मंथ, और यहाँ पे $50 में हम कार को वॉश करवा रहे हैं। अमेजिंग वर्क, वाओ वाओ वाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी गाड़ी वॉश हो रही है, आप देख ही सकते हो क्या ही ज़बरदस्त सीन लग रहा है। और मेरी गाड़ी देखो, माय गॉड कितने डर्ट थे, मतलब कितना ज़्यादा वाइट हो चुका है वो भाई साहब। मतलब मेरा गाड़ी इतना गंदा था क्या, और पिछली गाड़ी को हम लोगों ने ज़्यादा वॉश वगैरह करवाया भी नहीं था, वेल उसको जैसे तैसे कलर करके हम लोगों ने बेच दिया। भाई कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैंने कार वॉश करवा ली और इसको मुझे सही से अच्छे से लेकर जाना है अपनी ऑफिस, ताकि मैं इस गाड़ी को बेच सकूँ। तो लेट्स गो फॉर ऑफिस। अरे भाई इस गाड़ी को घुमाना ही बहुत मुश्किल गाइस, अब मैं नहीं चाहती कि कहीं और मैं अब इसको ठोकूं, वरना मेरी बहुत नुकसान हो जाएगी और मुझे इतना कीमत भी नहीं मिल पाएगा इस गाड़ी का। तो बहुत ही केयरफुली आप ड्राइव किया करो जब भी आप गाड़ी खरीद कर लेकर आते हो ना, क्योंकि सारी गाड़ी की कंट्रोल्स अलग अलग होती है। आप सोचोगे कि एकदम स्मूथली चलेगा तो वैसा नहीं होता है। तो चलो गाइस इसको हम पार्क कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से, उसके बाद मैं इसको लगा देती हूँ। यहाँ पे मैंने पार्क कर लिया है और यहाँ पे हम जाते हैं इसको प्राइस रखने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ उसको कितने में मैं बेचूँ यार, मतलब ज़्यादा प्राइस तो यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि $10,000 में इसको बेच देते हैं। तो गाइस यहाँ पे 10,000 मुझे लगता है सही अमाउंट बैठेगा, बेचते हैं, देखते कस्टमर आता है या नहीं, लेट्स सी। ओके, तो अभी तक कोई कस्टमर तो दिखा नहीं है, ये मेरे शोरूम का लुक है। ओके, एक कस्टमर आ गया है। ओके, चलते हैं, इनको थोड़ा सा बात ही कर लेते हैं। हेलो सर, आपको ये गाड़ी मैं आपको बस ओनली $10,000 में देने वाली हूँ, कि आपको ये गाड़ी चाहिए तो आप ले सकते हो। ओके, तो ये मान चुके हैं गाइस कि सेम प्राइस में ये लेंगे, इसका मतलब हमें गाड़ी की प्राइस थोड़ी और बढ़ानी चाहिए। देखो मेरे अंदर थोड़ी लालच आ गई है, वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि ये 10,000 में मान चुके हैं, मतलब हम गाड़ी की प्राइस और थोड़ा हाई रख सकते हैं। तो लेट्स गो, अभी मैं $12,000 इसका गाड़ी का प्राइस बढ़ा कर रख देती हूँ। अब देखते हैं कि कस्टमर आता है या नहीं आता है। वेल, वो तो चला गया, क्योंकि मैं 10,000 में बेचूंगी नहीं, थोड़ा तो मुझे और प्राइस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी लॉस हो चुका है। तो अब क्या करूँ, देखो मैं लालची नहीं हूँ बट इतना मेहनत लगा है यार, ऐसे कैसे बेच देंगे। कस्टमर जी कोई तो आ जाओ। अच्छा, दो कस्टमर आ चुका है यहाँ पे गाइस। चलो चलते हैं कस्टमर से बात करने के लिए। तो सबसे पहले एक मैडम से बात कर लेते हैं। हेलो मैडम, तो आपको मैं ये $12,000 में ये गाड़ी बेचने वाली हूँ, और ये गाड़ी का परफॉर्मेंस आपको बहुत ही अमेजिंग लगने वाला है, सच में आप लेकर देखो। ओके, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कम में बोल रही है भाई, ये कितना देगा, 10,900। चलो मुझे लगता है इनका प्राइस सही लगता है, मैं $10,900 में बेचती हूँ गाड़ी को। तो वेल, अभी हमारा इनकम हो चुका है $26,348, मतलब $26,348 हमने इनकम की है आज। ओके, तो अब हम थोड़ा सा थक चुके हैं, तो अब हम यहाँ से जाने वाले हैं यहाँ पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बार में आ गए हैं और हम कुछ ड्रिंक वगैरह करेंगे और गेम्स भी खेलेंगे, तो क्या बोलते हो। लेट्स गो, देखो फन भी करना चाहिए इंसान को, रियल लाइफ में कभी तो किया नहीं है, इसलिए गेम में तो ज़रूर से करूँगी। तो यहाँ पे देखो माय गॉड, यहाँ पे हम गेम्स भी खेल सकते हैं, बस इस गेम का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसे खेला जाता है, लेकिन स्टिल मैं कुछ पैसे लगा के देखती हूँ। अभी हमने बहुत इनकम करी है, वैसे इनकम तो ज़्यादा हुआ नहीं, 21,000 हमारा वहाँ पर वो था, और हमने सिर्फ $26 इनकम करी है, तो बहुत ही कम ही किया है गाइस। तो यहाँ पे $25,379 हमारे पास रह चुका है, और यहाँ पे मैं ये कार्ड्स खेल रही हूँ, लेट्स सी कि देखते हैं हम जीतेंगे या नहीं। तो पता नहीं, मुझे समझ में आया तो नहीं है ये गेम कैसा है, पर मैं हार चुकी हूँ, मुझे इतना समझ में आ चुका है, मेरा $900 पानी में चला गया। और यहाँ पे हम कुछ बियर लेते हैं, वाओ बियर नाइस,
वेल यहाँ पे मैंने बियर ले लिया। अच्छा ये मेरा बियर है, अच्छा 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 इसको ऐसे पीते हैं, नाइस नाइस, एनर्जी आ रही है मेरे अंदर। तो गाइस यहाँ पे बियर भी आप पी सकते हो, बहुत सारे फन भी कर सकते हो, मज़ेदार गेम है भाई, मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा गया है यहाँ पे। बस मैं एक ही बियर पीऊँगी और मुझे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा है। अब यहाँ से चलती हूँ, नाइट हो चुका है और ये बार तो अभी नाइट तक खुला हुआ है। यहाँ पे ये बंदा, चोर सा बंदा कौन है भाई, ये कौन है, अजीब सा ही दिख रहा है ये बंदा। ब्लैक मार्केट, अच्छा ब्लैक मार्केट में पैसे लगा सकते हो। बोल अभी तो मैं कहीं भी कोई भी पैसा नहीं लगाने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको भी कार खरीदने और बेचने का मज़ा लेना है ना, तो इस गेम को आप ज़रूर से ट्राई करो, कार फॉर सेल गेम को। तो गाइस मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय।